देखें माय यूट्यूब फैमिली, आप ही के घर के सामने हो रही है शादी, और ये शादी चल रही है पूरे एक हफ्ते से, हफ्ते से भी बल्कि महीना हो गया ना आप ही। अच्छा, हमसे वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, ये चांद का टुकड़ा नहीं रहता। ये शादी हमारे घर के सामने और इसने हमें भी 5 दिनों से बिताया हुआ है। रोज इनके रिश्तेदार आते हैं और वो बेसुरा नाच करते हैं दरवाजे के सामने कि मैं आपको क्या बताऊं। हम आते हैं भाग के, ढोल आया तो ढोल एड्डा बेसवादा मिल जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए घर इन्होंने सजाया हुआ है, तो मैंने कहा चले मैं अपने YouTube फैमिली के साथ ये भी इनका घर शेयर कर दूँ। और बंदा डांस तो करे। अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर मुश्किल हर मुसीबत से दूर रखे। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पे हैं नए वो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ खड़े घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो है हमारी जो मानो है, मैंने आपको दिखाया था कल वाली वीडियो में कि वो एक पेंटिंग बना रही है, तो आज उसकी जो पेंटिंग, वो कह रही थी कि आंटी मैं जो कंप्लीट कर लूँगी, तो आज वो करने लगी अपनी पेंटिंग कंप्लीट, और वो मैं पेंटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे जैसे वो बनाती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, और मैं हम देखते हैं कि मानो ने आज की पेंटिंग जो है कैसी की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो लगे तो आपने ज़रूर बताना है। तो चले बढ़ते हैं हम, जैसे जैसे मानो जो जो बनाती गई मैं क्लिप लेती गई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो चले आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें माय यूट्यूब फैमिली, जो मानो ने स्केचिंग की थी ना, अब उसमें वो पेंट कर रही है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है ना मानो की पेंटिंग है। जैसे जैसे ये पेंट करती गई वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करती जाऊंगी। ये देखें तो जब ये पेंटिंग कंप्लीट होगी ना तो फिर मैं आप लोगों के, मानो ये आज कंप्लीट हो जाएगी शायद। अच्छा 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 अच्छा, अगर काम ना हुआ तो। अच्छा, काम अगर ना हुआ तो फिर मानो जो है ना ये माशाल्लाह इतनी जल्दी उसने तो पेंटिंग स्टार्ट की है। और तो इसका कभी कभी बनता है ना। हाँ, तो जो कंप्लीट पड़ी है वो पड़ी। हाँ नहीं नहीं, ये तो ये तो मानो आप कंप्लीट करना, क्योंकि आपने शुरू से लेके अपने यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर किया है, तो फिर जल्दी से इसको मुकम्मल करके ना कंप्लीट करके तो फिर हमने दिखाना है कि मानो ने कैसी जो है ये पेंटिंग की है, ठीक है ना। तो अभी ये इसमें पेंट कर रही है, जब पेंट कम्प्लीट हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये अब कैसी जो है ना इसने तैयार की है पेंटिंग। देखें माय यूट्यूब फैमिली, जो हमारी आज जो रबेल बलोच है, जो मैं इसको मानो नहीं बुला रही हूँ, आप इसको रबेल बलोच बुला रही हूँ, मानो जो असल नाम आपको पहले बताया रबेल बलोच है, तो वो आज जो वो पेंटिंग बना रही थी ना वो उसने देख ले माशाल्लाह 2 घंटे में कंप्लीट कर ली है, और मैं आपको दिखाने लगी। आज उसका मूड था ना। हाँ, आज उसका मूड था, और अभी कह रही है कि अभी मैं एक और पेंटिंग जो है ना वो स्टार्ट करने लगी। तो देखिए माशाल्लाह उसने जो पेंटिंग की है, बताए ना ये देखने क्या हो गया। हाँ, ऐसा कह रही हूँ कि ना बनाओ। ये देखो ना, ये देखे पेंटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है। तो मानो आपने ये इस वैसे पेंटिंग का जो है थीम वो क्या है भला, ये तो मुझे आप बताओ, ये आप क्या थीम है इसका? इसका थीम ये है कि हर किसी के आंसू कीमती होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हर किसी के आंसू किसी ना किसी के लिए किसी ना किसी कीमती होते हैं। हाँ, जैसे चले आपको बोलना चाह रही हूँ, तो जो होते हैं ना वो ऑलरेडी होते ही कीमती है, क्योंकि जिसके लिए बहाए जाते हैं मतलब अल्लाह के सामने तो बहाए जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और किसी भी रिश्ते के लिए, किसी को रिश्ते को बचाने के लिए, किसी से अगर आपको तकलीफ हो रही है, किसी से अगर आप उदास हो गए, किसी से अगर आपको दुख पहुंचा है, और आंसू खुशी के भी होते हैं, तो आंसू तो हमेशा से कीमती होते हैं। लेकिन इसमें जो रबेल ने बनाया है ना, उसका जो थीम मेरे हिसाब से बनना है ना, रबेल ने तो इसका माशाल्लाह, इसके कितने सारे थीम बनते हैं, तो इसका ये भी बनता है कि आप दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी भी रूजी को, किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं कि हकीर नहीं बनाया।
और कोई ना कोई चेहरा जो होता है ना वो किसी ना किसी का महबूब होता है। ये नहीं होता कि महबूब आप सिर्फ एक ही तरफ लेके जाओ कि वही महबूब नहीं, आप अपने बच्चों के भी महबूब हो सकते हैं, आप अपने माँ बाप के लिए भी महबूब हो सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए भी महबूब हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि बंदा नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे उसी के महबूब रहे, एक बंदे के लिए बंदा महबूब हमेशा प्यारे को कहते, प्यारे को कहते हैं। और जो बंदा कीमती होता है ना वही महबूब होता है, जो जैसे मुझे अगर अपनी बहन प्यारी है मेरे लिए कीमती है तो ये जो है मैं ये मेरी महबूब है, ऐसे महबूब बिल्कुल ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना हमारे यूट्यूब फैमिली वो बड़े प्यारे होते हैं और इनकी कदर करनी चाहिए। जब बंदा मर जाता है फिर हम उसको रोते हैं और जब वो जिंदा होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते। तो मेरा तो ख्याल है कि आप ना बजाय मरे हुए जो इंसान है उसको रोने के बजाय आप आपके जो अपने जिंदा जो रिश्ते हैं ना आप उनकी कदर करें। हाँ, उनकी उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करें कि इसकी तकलीफ जो है ना वो मेरी तकलीफ है। तो रिश्ते बहुत कीमती हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने अपने जो रिश्ते हैं ना उनकी कदर, रिश्तों का ख्याल करें, रिश्तों से प्यार करें, रिश्तों को बचा के रखें, ठीक है, और रिश्तों को अपनी अपनी जगह पे रखना सीखें और उनकी कदर को जानें। ये नहीं है कि आप ये और देना भी कुछ सीखें, सिर्फ लेना नहीं, लेना सिर्फ माल का ही रिस्क का लेना नहीं होता, अच्छे अखलाक का, अच्छी बातों का, अच्छी आदतों का, और आप किसी को और कुछ नहीं ना दे सकते, तो अपनी आदतों से अपनी बातों से और अपने रवैये से ना किसी को तकलीफ मत, बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई आपकी खातर रोए, और आपकी खातर अगर कोई रोए ना तो इस तरह रोए कि आपकी कमी को महसूस करे, कमी रोए। ना, ऐसे ना रोए कि वो अल्लाह के सामने वो पकड़ में आ जाए, अल्लाह के सामने वो आप उसको तकलीफ दे रहे हो और वो आपकी तकलीफ की वजह से रोए और उसकी रोना जो है अल्लाह को जो है ना वो नागवार गुजरे और वो आप उसकी पकड़ में आ जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने रिश्तों की जो है ना आपको कदर करनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा पैगाम था हमारा आपको, हमारी मेरी तरफ से एक और पैगाम है, प्लीज सादी मैं आपकी बात जी जी जी, किसी बंदे को कमजोर समझ के ना उसको लिताड़ना, उसको घसीटना, उसको दबाना छोड़ दें, क्योंकि वो बंदा वाकई में ही कमजोर होगा, आप वाकई में पावरफुल होंगे, आप वाकई में उसको सब कुछ जलील तरीन कर सकते होंगे, चाहे वो किस रिश्ते को भी आप कर रहे हैं, चाहे किस बंदे बंदी को भी आप, लेकिन अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं, अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं, अल्लाह से डरे और अपने रिश्तों को बचाएं और किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि हकूकल की बात जो है ना वो माफ नहीं होती, अल्लाह तआला ने हकूकल अल्लाह जो है ना वो तो माफ कर देने, लेकिन हकूकल अबाद जो है ना जो बंदों के हकूक है अल्लाह तआला ने वो कभी भी माफ नहीं करने। तो आप कोशिश करें कि आप वजह से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए बुरा भी ना करें, आपकी किसी आपके एक लफ्ज़ से किसी का दिल जो है ना वो ना टूटे। तो अगर आपके एक लफ्ज़ से भी किसी का दिल जो है ना उस पे वो टूटता है ना तो उसकी भी पकड़ अल्लाह के सामने, जो किसी का दिल तोड़ता है ना तो उसकी भी अल्लाह अल्लाह के हाँ बहुत बड़ी सजा है। जब तक वो इंसान आपको खुद माफ़ नहीं करेगा अल्लाह पाक आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो जो है ना ये आज का हमारा छोटा सा पैगाम था और आज की हमारी की मानो की ये छोटी सी बड़ी प्यारी सी पेंटिंग थी और इसका हाँ जी ये बड़ी मासूम सी हाँ जी, तो इसका ये जो हमने निचोड़ जो हम दोनों बहनों ने आपके सामने बयान कर दिया, तो जो है ना आपको हमारी आज की जो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपने हमें कमेंट में जरूर बताना है। और हमारी वीडियो अगर आप ऐसी पेंटिंग मजीद देखना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला जो हमारी चाहते हैं मजीद आपने बनवानी है बनवानी है तो आप वो भी हमें बताएं। हाँ, अगर माय यूट्यूब फैमिली मैं अपने चैनल पर कह रही हूँ अगर किसी मेरी बहन को पेंटिंग की जरूरत हो या पेंटिंग बनवाना चाहे तो मुझसे जरूर बताएं आप। फिर हमारे जो है ना चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना और अपनों का रखें ख्याल और सुल्ताना को रखें दुआओं में याद। अगले वीडियो तक के लिए हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।